बंगाला ने दिए एक्सक्यूजेस, सिंपथी कार्ड प्ले किया, लिटरली हिंदी शब्दों का गलत यूज किया। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्विक न्यूज विद कर्ण शर्मा। तो दोज हु डोंट नो हु रिया चक्रवर्ती इज, स्टे दैट वे, तुम खुश हो, स्टे अवे फ्रॉम हर। बट जिनको पता है वो एक एक्ट्रेस है जिसका IMDb स्कोर मेरे फर्स्ट ईयर के रिपोर्ट कार्ड से भी गंदा, लाइक लिटरली हाउ आर यू सच अ बैड एक्ट्रेस, 5.4 का रेटिंग एवरेज है उसका, लाइक द फक। ए तुझी अम्मा इला तुझी हमुद हबीबी हमुद हमुद हबीबी। असाइड फ्रॉम दैट, वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी एंड मंगेश बट की हाफ गर्लफ्रेंड थी। ये तो वेरी नाइस बूंद है, ये तो मेरी पसंद की बूंद है। इसके लिए मैं वो शब्द द आर वर्ड यूज नहीं करना चाहता बट रियली बैड थिंग अबाउट हर, रियली बैड थिंग जो सुन के किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाए, समथिंग रियली बैड अबाउट रिया चक्रवर्ती इज शी इज बंगाली एंड देयर इज नो रिवर्सिंग दैट। वो जितने साल की भी उतने साल से वो बंगाली है, दैट्स समथिंग दैट्स रियली स्केरी, दैट्स समथिंग दैट रियली नीड्स टू चेंज इन बॉलीवुड। लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। भंगियों के नील डेग्रेस टाइसन उर्फ कंगना रनौत ने अंडरवेयर अपने थियरीज डालना चालू कर दिया इंटरनेट पे, जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नेपोटिज्म के वजह से हुई है, जबकि उसका कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी तक आया नहीं है। तो न्यूज चैनल पीछे कैसे रहेंगे? तो उन्होंने स्पेकुलेशन बनाने शुरू कर दिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विच वॉज रिलीज लाइक सम ईयर्स बैक ऑफ रिया चक्रवर्ती लाइक दिस। गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब उन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। ये 8 ग्राम की औरत गुंडों से गुंडागर्दी करवा रही। इवन इफ दिस इज बैड एक्टिंग, इट्स रियली बैड, लाइक कम ऑन। उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। क्लास, डिड शी यूज द वर्ड क्लास? तू महेश भट्ट एंड सुशांत सिंह राजपूत के टुकड़ों में पल रही है एंड यू यूज द वर्ड क्लास, लाइक कम ऑन। क्लास थोड़ा है। अभी भी न्यूज में है कि यू आर यूजिंग सुशांत सिंह राजपूत बैंक अकाउंट, लाइक वाव, इवन आफ्टर डूइंग 7 मूवीज एंड सकिंग अप टू महेश, बट यू हैव टू यूज योर एक्स डेड एक्स बॉयफ्रेंड्स अकाउंट टू मेक योर परचेसेस, लाइक कम ऑन। तू गुंडी नहीं है, तू चुती है। इधर आ चुके, तू क्या कर आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। हफ्ता तुझे सुशांत सिंह राजपूत एज अ पॉकेट मनी देता था, पागल औरत क्या बोल रही है? क्योंकि तेरी कोई पिक्चर चली नहीं आई गेस। ये सब रिकॉर्ड मत कर। बेसिकली ये वीडियो सरफेस हुआ एंड लोगों को समझ नहीं आया कि इसको डेथ से लिंक कैसे करे। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये काला जादू करके सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेसिंग चीजें दे रही थी। लाइक आई कैनॉट ब्लेम देम, सारे एलिगेशन बिहारियों से आए हैं, तो उन लोग का दिमाग कहाँ तक लिमिटेड है मुझे आइडिया है। इस वीडियो के वजह से उसको काफ़ी बैकलैश आया, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर हेट डाला। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उस वीडियो के साथ क्या गलत था और इफ शी वॉज एक्टिंग, हमारी सबसे प्यारी रिया चक्रवर्ती ने एक अपोलॉजी की जगह या एक एक्सप्लेनेशन की जगह एक्सक्यूज वीडियो बना एंड oh my god, let me tell you, it was worse than that video. Let me show you. एक सेकेंड, पहली बात फैन बंद कर दे प्लीज, लाइक तुमको अच्छा लगेगा कि अगर मैं ऐसे ऑडियो में आवाज बनाने की, लिटरली। सेकेंडली, तू विधवा के कपड़े क्यों पहने? यू वर्नट इवन मैरिड, तूने एक महीने तक कुछ पोस्ट भी नहीं किया। आई नो अगर तू ग्रीव कर रही हो तो दैट डिफरेंट, बट कंडोलेंसेज देना इज नॉट रियली समथिंग बैड। Even you are an actress, so you are definitely someone who should do it. So like, Vidwa ke dress pehna is like just overdoing it, man. Like, movies ki overacting kharaab thi, but ye toh bhai, it's just boom. I have immense faith in God and the judiciary. English mein video kyun bana rahi? Pehli baat toh mujhe video dhoondne mein itna time lag gaya. Ye English mein bana rahi hai, jabki sare allegation ispe Bihar se aaye. Didi, ye galat cheez hai. तुम उनको चैलेंज कर रही हो और ये गलत चीज है, तुम इंग्लिश में बना रही हो, उनको समझेगा ही नहीं तुमने बोला क्या। आई बिलीव दैट आई विल गेट जस्टिस।
वो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे रहते ना जो एक रात पहले फुल रट के पोएम आते हैं बाबा बाबा ब्लैक शीप, वैसे तो पढ़ रही हो लिटरली समझ रहा है, यू आर रीडिंग दैट समथिंग एंटायरली स्क्रिप्टेड, तेरे आंसू भी नकली है, तू भी लल्लू है। आई बिलीव दैट आई विल गेट जस्टिस इवन दो अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट मी। पहले मुझे भगत अंकल मिल गए, उन्होंने मुझे लेटर पोस्ट करने भेज दिया, फिर मुझे मनोरमा आंटी मिल गए, उनके इतने बड़े बड़े शॉपिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुम इसका इंस्टाग्राम देख लो, 6 दिन पहले तक गुची सैवेज रैचेट कर रही, और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाह। परफेक्ट एनालॉजी बोलने से ये प्रूव नहीं हो जाता ना कि तुम इनोसेंट हो, तो दैट्स जस्ट यूजलेस। आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माय लॉयर्स, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट। अबे तुझे बोलने कौन दे रहा है, हु आस्क फॉर योर ओपिनियन, कोई कुछ नहीं बोल रहा, पूछ रहा कि रिया चक्रवर्ती गिव योर स्टेटमेंट, कोई किसी ने पूछा भी नहीं था, Nobody gives a shit. कंगना रनौत के सिवाय और मीमर्स के सिवाय तुझे कोई जानता भी नहीं था इस कॉन्ट्रोवर्सी के पहले, तू है कौन? सोनाली केवल तेरी मूवी थी, द ओनली बेस्ट थिंग यू वर इन साइड वॉज मेरी डैड की मारुति एंड मंगेश। सत्यमेव जयते, सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रही है। आज वो अपने फैमिली को लेके रात के 2-3 बजे बैग पैक करके अपने बिल्डिंग से निकल भी गई, किसी को बताया भी नहीं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर शक आएगा ही, बहुत गंदा वाला शक आएगा। देखो मेरे हिसाब से तो ये बस साक्षी शिवदसानी का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके कोई स्पेशल कॉन्टैक्ट्स नहीं थे बॉलीवुड में। नाइस, लड़की मंद है, तुम इसका थोबड़ा देख लो, इसको अपने लेस बांधने नहीं आती होगी, ब्रा पहनने नहीं आती होगी, सब्जी काटने नहीं आती होगी, काला जादू क्या करेगी? थर्ड स्टैंडर्ड के इसको स्पेल, इसको डायलॉग पढ़ने बराबर से आते नहीं, और तुम बोलते हो काला जादू कर लेगी ये, हनुमान चालीसा पढ़ सकती है पहले? तो अगर तुम ये बिलीव कर रहे हो कि ये काला जादू कर रही है, तो तुम इससे भी बड़े मंद हो। लोगों को काम धंधा नहीं हो, कुछ भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे, वही काम है उन लोग का, रिपोर्टर्स BMM वाले हैं ना। या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर रिया चक्रवर्ती, उसको ना मूवीज मिलने वाली है ना उसको कोई भाव देने वाला है, शी इज डन फॉर इट, शी इज डन। तो वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम एंड एनर्जी ओवर हर, बिकॉज शी इज अ रियली रिटार्डेड वुमन हु डज नॉट नो हाउ टू गिव अ राइट स्टेटमेंट इन द राइट टाइम अबाउट द राइट पर्सन, तो लेट्स जस्ट कट इट। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्विक न्यूज विद करण शर्मा, बाय। एक और बात कहना है कि शी सेज कि मेरा पापा जैसा है, शी ही इज माय फादर फिगर। अबे इतना पास तो अपने बीवी के बेटी के पास भी नहीं जाता होगा जितना तेरे को चिपक रहा है, पापा मेरे स्टेप पापा, तेरा स्टेप पापा।